नमस्ते कुलकुलियंस, स्वागत है आपका। प्यारे बच्चों, आज हम संकल्प सिद्धिदायक संकल्प सिद्धिदायक इस पाठ का भाग सात करेंगे, सातवां पाठ इसका करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पार्वती कहती है, अई आतुर हृदय, अरे बेचैन हृदय वाली, अरे बेचैन हृदय वाली, कथम त्वं चिंतिता, तुम चिंतित क्यों हो, तुम चिंता क्यों करती हो। अब वो किसको बोल रही है, वो उसकी सहेली विजया को बोल रही है, क्योंकि विजया ने पार्वती को कहा था कि आप अपर्णा नाम से प्रसिद्ध हो गई है, आपने यज्ञ कर लिया है और जो हिंसक जानवर है वो भी आपके मित्र बन गए हैं, फिर भी जो पूजा का फल है, जो तप का फल है, तपस्या का फल है, वो आपको अभी तक नहीं मिला है। उसका जवाब देते हुए पार्वती कहती है, अरे बेचैन हृदय वाली, कथम त्वं चिंतिता, तुम चिंतित क्यों हो या चिंता क्यों करती हो। नेपथ्य होता है पर्दे के पीछे, नेपथ्य होता है पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे से आवाज आती है, अई हो अहम आसन बढ़ू जलम वांछामी, अरे मैं आसन का ब्रह्मचारी हूं, अरे मैं आसन का वटु, वटु का अर्थ होता है ब्रह्मचारी, मैं आसन का ब्रह्मचारी हूं, जलम वांछामी पानी चाहता हूं, अर्थात पीने के लिए पानी चाहता हूं। तो प्यास नहीं होगी, बहुत पानी पीना चाह रहा था इसलिए वो आवाज लगाता है वहां पर। आगे है सत्संभ्रमम, घबराकर, घबराकर पार्वती कहती है, सत्संभ्रमम घबराकर पार्वती कहती है, विजय, अरे विजया, हे विजया पश्य, देखो पश्य, देखो को अभी कोई वटु ब्रह्मचारी आगतो अस्ति आया है। घबराकर वो उसकी सहेली विजया को कहती है कि विजया देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटी की अगच्छत, झटी की का अर्थ है जल्दी या तुरंत, विजया तुरंत वहां गई, सहसैव सहसा प्लस एक है अचानक ही, सहसैव का अर्थ है अचानक ही, वटु रूप धारी ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए, वेश धारण किए हुए शिव, शिव तत्र वहां पर प्राविशत प्रविष्ट होते हैं। अचानक विजया तुरंत वहां पर जाती है तो अचानक, अचानक ही ब्रह्मचारी का वेश धारण किए हुए भगवान शिव वहां प्रविष्ट होते हैं, प्रवेश करते हैं। अब वो भगवान शिव थे लेकिन उन्होंने अपना जो वेश है, उन्होंने अपना जो पहनावा है उस ब्रह्मचारी का कर रखा था ताकि उसको वो पहचान न सके। विजया कहती है, वटो स्वागतम ते, हे ब्रह्मचारी आपका स्वागत है, हे ब्रह्मचारी आपका स्वागत है, उपविशतु भवान, उपविशतु बैठिए, भवान आप बैठिए, इयम मे सखी पार्वती, इयम यह मे मेरी सखी पार्वती, यह मेरी सखी या यह मेरी सखी पार्वती है, शिवम शिव को प्राप्त करने के लिए, शिव को प्राप्त करने के लिए, अत्र अत्र का अर्थ है यहां पर, तपह करोति तपस्या कर रही है, हे ब्रह्मचारी आपका स्वागत है, आप यहां बैठिए, यह मेरी सखी पार्वती है, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए यहां पर तपस्या कर रही है। वटु, वटु ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी क्या कहता है, हे तपस्विनी, हे तपस्विनी, हे तपस्या करने वाले, किम क्रियार्थम पूजो कर्म वर्तते, किम क्या क्रियार्थम पूजा के लिए, पूजो कर्म वर्तते,
पूजा की सामग्री वर्तते है, क्या पूजा के लिए पूजा की सामग्री है। स्नानार्थम, स्नानार्थम जलम शुद्धम, नहाने के लिए या स्नान करने के लिए जल सुलभ है। सुलभ होता है जो आसानी से प्राप्त हो सके, जो आसानी से प्राप्त हो सके। भोजनार्थम, भोजनार्थम का अर्थ है भोजन के लिए फलम वर्तते, फल है भोजन के लिए फल है। त्वं तु जानासि, तुम तो जानती ही हो, एव श्रीयमाध्यम खलु धर्म साधना, यह शरीर पहला धर्म का साधन है। यह शरीर धर्म का पहला साधन है। ये क्यों कह रहा है, ये ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए भगवान शिव कह रहे हैं। पार्वती तूष्णीं तिष्ठति, पार्वती तूष्णीं, तूष्णीं का अर्थ है मौन या चुपचाप, तिष्ठति खड़ी रहती है, पार्वती चुपचाप खड़ी रहती है। एक बार फिर शुरू से करवा दूं मैं, पार्वती कहती है आई आतु हृदय ते बेचैन हृदय वाली, कथम त्वं चिंतिता, तुम चिंता क्यों करती हो, नेपथ्ये आई मोहम आसन वर्तते, नेपथ्य अर्थात पर्दे के पीछे से आवाज आती है कि अरे मैं आसन का ब्रह्मचारी हूं, जलम वांछामि पानी चाहता हूं, पानी पीना चाहता हूं। स संभ्रमम घबराहट के साथ पार्वती कहती है विजय, हे विजय पश्य को अपनी वधु आगतो अस्ति, देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। विजय कहती है विजय झटिति अगच्छत, विजय तुरंत गई। सहसैव वधु रूपधारी शिवरत्न प्रावेशत, अचानक ब्रह्मचारी का वेश धारण किए हुए भगवान शिव वहां पर प्रवेश होते हैं या प्रवेश करते हैं। विजय कहती है वटो स्वागतम ते, हे ब्रह्मचारी आपका स्वागत है, उपविशतु भवान, आप बैठिए। ये मेरी सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है, स्वयं प्राप्ति मंत्र तत्व करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तपस्या कर रही है। वटो ब्रह्मचारी कहता है हे तपस्विनी, हे तपस्या करने वाली, किम कियार्थम पूजो वर्णम वर्तते, क्या पूजा के लिए पूजा की सामग्री है, नहाने के लिए स्नानार्थम जल सुलभ, नहाने के लिए जल सुलभ है अर्थात आसानी से प्राप्त करने योग्य जल है। भोजनार्थम फलम वर्तते, वर्तते भोजन के लिए फल है। त्वं तु जानासि, तुम तो जानती ही हो, शरीरम अद्भुत खलु धर्म साधनम्, कि यह शरीर हमारा शरीर है वो शरीर पहला धर्म का साधन है। शरीर पहला धर्म का साधन है। पार्वती तूष्णीं तिष्ठति, पार्वती चुपचाप खड़ी रहती है। प्यारे बच्चों वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और जिस प्रकार इस भाग का भाग सात का जो ये संस्कृत दी गई है, जिस प्रकार इसका अनुवाद करवाया गया है, उस अनुवाद को आप अपनी संस्कृत की नोटबुक में नोट करें। अगले भाग के साथ मैं फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।